الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد पिछले दो मजलिसों से उस हदीस की थोड़ी सी तशरीह अर्ज कर रहा हूं जिसमें अल्लाह जल जलालहू ने यह फरमाया कि अत्तक्वा हा हुना अपने सीना मुबारक की तरफ इशारा फरमा कर उस हदीस की थोड़ी सी तशरीह करता रहा हूँ जो हुज़ूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आपने अपने सीना मुबारक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया तक्वा हा हुना तक्वा यहाँ है यानी दिल में। तो मैंने अर्ज किया था कि दिल में तकवा होने का क्या मतलब है और हासिल उसका यह था कि तकवा का आगाज इस तरह होता है कि दिल में अल्लाह जल जलालहु का एक रोग और अल्लाह तबारक व तआला की अजमत और मोहब्बत का एक एहसास दिल में एक ठिठक पैदा कर देता है जिसकी मैंने मिसाल ये दी थी कि अगर किसी बड़े की महफिल में आदमी जाए तो उसके दिल में एक ठिठक पैदा हो जाती है कि मैं जरा मुहतात तरीके पर रहूं, कोई हरकत ऐसी ना हो जो उसकी अजमत के खिलाफ हो जिससे वो नाखुश हो या जो कलिमा मैं जबान से निकाल रहा हूं जो बात मैं जबान से निकाल रहा हूं वो मुहतात हो कोई बेढंगी बात ना हो जाए जिसके नतीजे में
उसका उसके दिल में तकद्दुर पैदा हो, ये खिटक पैदा हो जाती है। यही चीज अल्लाह जल्ल जलालुहु के साथ पैदा हो जाए तो उसका नाम तकवा है। कि हम वक्त इंसान के दिल में एक खलिश, एक खिटक, एक झिझक ये पैदा होती रहे कि मैं जो करने जा रहा हूं, जो काम कर रहा हूं, जो बात कह रहा हूं, वो अल्लाह जल्ल जलालुहु की रजा के खिलाफ तो नहीं। ये ख्याल पैदा हो जाना, इसका नाम तकवा। शुरू में तो ये झिझक या खिटक, जिसको मैं कह रहा हूं, या खलिश, ये ऐसी होती है कि वक्तन फवक्तन आदमी को मुतनब्बिह करती रहती है। तुम अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के सामने हो, कोई ऐसी बात न करना जो अल्लाह तबारक व तआला की रजा के खिलाफ हो। ये ख्याल वक्तन फवक्तन दिल में पैदा होता रहता है और उसके नतीजे में इंसान मोहताज हो जाता है। फिर आगे चलकर ये तकवा एक धुन की शक्ल इख्तियार करता है, धुन लग जाती है। ये धुन लग जाती है कि मैं अपने अल्लाह तबारक व ताला को राजी करके रहूंगा। आरजूएं खून हो या हसरतें बर्बाद हो, अब तो इस दिल को बनाना है तेरे काबिल मुझे। ये धुन लग जाती है, कुछ हो जाए मेरे सीने पर आरे चल जाए, मुझे मेरी ख्वाहिशें पामाल हो जाएं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला राजी हो, ये धुन लग जाती है। ये मंजिल ब मंजिल तकवा इस तरह तरक्की करता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से हम सबको भी अता फरमा दे। वो कैसे हासिल हो ये तकवा की ये दौलत, कि दिल में तकवा बस जाए, रच जाए और दिल में एक धुन पैदा कर दे। उसका एक तरीका तो मैंने पिछले इतवार को अर्ज किया था, वो ये कि हुज़ूर नबी करीम सरवरदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी में इंसान को जो मुख्तलिफ हालात पेश आते हैं, हर मौके पर अल्लाह तबारक व ताला से कोई दुआ मांगने या उसका शुक्र अदा करने पर मुश्तमिल कुछ अज़कार बताएं। सुबह उठ के ये पढ़ो, मस्जिद में जाओ तो ये पढ़ो, बैतुल खला में जाओ तो ये पढ़ो, निकलो तो ये पढ़ो, वगैरह वगैरह। पिछले इतवार को इसकी तफसील अर्ज की थी कि वो अलावा इसके कि जो दुआएं मांगी जा रही हैं वो अजीब व गरीब हैं, वो ऐसी हैं कि अगर एक दुआ भी कबूल हो जाए तो इंसान का बेड़ा पार हो जाए। इसके अलावा ये दिल में वो अल्लाह जल्ल जलालुहु की अजमत और मोहब्बत का वो ख्याल दिल में पैदा करती हैं और उसको तरक्की देती हैं, जो तकवा की खलिश और खटक इंसान के दिल में पैदा करती है। आप जरा सोचिए कि जो बंदा सुबह को उठा है, उठने के वक्त से लेकर रात के बिस्तर पर जाने तक मुख्तलिफ अवकात में, मुख्तलिफ हालात में अपने अल्लाह को पुकार रहा है और उन अल्फाज से पुकार रहा है जो नबी करीम सरवरदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज फरमाए हैं, तो उसका दिल अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र से, अल्लाह तबारक व ताला के साथ ताल्लुक से, अल्लाह ताला की अजमत और मोहब्बत से और बिल आखिर तकवा से मामूर होकर रहेगा इंशाअल्लाह। बशर्ते के जरा ध्यान से यह अज़कार अदा करे। इसलिए मैंने पिछले इतवार को अर्ज किया था कि
मामूल बनाए, मामूल में भी ध्यान के साथ ये दुआएं किया करें। तो एक तरीका, एक सीढ़ी उस तकवा तक की मंजिल तक पहुंचने के लिए, एक सीढ़ी बड़ी अहम सीढ़ी ये है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अदा करें। दूसरी बात, इसी अहादीस ये अदिया मासूरा से, जिनको अदिया मासूरा कहा जाता है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआएं, इन्हीं से एक दूसरी चीज निकलती है, वो ये है कि बंदे को बहुत सी हाजतें अपनी जिंदगी में हर वक्त पेश आती रहती हैं। कोई शायद लम्हा ऐसा होता हो जिसमें बंदा किसी न किसी हाजत का मोहताज ना हो। छोटी मोटी हाजतें, जरूरियात इंसान के साथ लगी हुई हैं, तो एक बहुत ही आसान और निहायत मुअस्सर तरीका अल्लाह तबारक व ताला के साथ ताल्लुक मजबूत करने का और नतीजतन तक्वा हासिल करने का यह है कि इंसान अलावा इन दुआओं के जो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं, जब भी किसी कोई हाजत पेश आए छोटी मोटी, वो अल्लाह तबारक व ताला से मांगने की आदत डाले। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि अल्लाह तबारक व ताला के सामने मंगता बन जाए। उर्दू में बोलते हैं मंगता। मंगता उस शख्स को कहते हैं जो हर वक्त मांगता ही रहता है, भिखारी जो हर वक्त उसका हाथ फैला ही रहता है, उसको मंगता बोलते हैं। तो इंसानों के सामने अगर कोई भिखारी बने, इंसानों के सामने मंगता बने, ये तो बहुत बुरी बात है, हराम भी है, अक्सर हालात में हराम है इस किसी इंसान से अपनी कोई जरूरत मांगना। लेकिन अल्लाह जल्ला जलालुहु के आगे मंगता बन जाए, यानी बस मांगता ही रहे अल्लाह मियां से, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह ये दे दे, तो ऐसा मंगता बन जाना ये बड़ी अजीम नेमत है, बड़ी अजीम है। और इसके जरिए जो चीज मांग रहे हो बसा औकात वो भी मिल जाएगी इंशाल्लाह, वो न मिली तो उससे बेहतर चीज अल्लाह ताला का फरमा देंगे। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि अल्लाह जल्ला जलालहू के साथ एक हमा वक्त ताल्लुक बरकरार, हर वक्त अल्लाह ताला के साथ आदमी का रिश्ता जुड़ा हुआ है और वो कुछ ना कुछ मांग रहा है। अभी गर्मी लग रही है, या अल्लाह ये गर्मी की शिद्दत दूर फरमा दी, ये मांग लो, जबान से मांग लो, दिल में मांग लो। मस्जिद में जा रहा हूं, या अल्लाह नमाज ठीक तरीके से पढ़वा दीजिए, अपने रहमत से नमाज मुझे ठीक तरीके से पढ़वा दीजिए, मुझे नमाज ऐसे पढ़वा दीजिए जो आपकी रजा के मुताबिक। बाहर निकले कहीं जाना है तो या अल्लाह मंजिल तक पहुंचने के लिए सवारी अच्छी अता फरमा दीजिए, जल्दी अता फरमा दीजिए, आफियत के साथ अता फरमा दीजिए। मिल गई, बैठ गए, अलावा दुआए मासूरा जो पड़ी, सुभान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, साथ में ये भी मांग लो, या अल्लाह ये बैठ तो गया हूँ लेकिन मंजिल तक आफियत से पहुंच जाए, रास्ते में कोई हादसा पेश ना आए, कोई रुकावट पेश ना आए, मंजिल तक खैरियत से पहुंच जाऊं, ये मांग। रास्ते में कोई हुजूम आ गया और उसके नतीजे में गाड़ी रुक गई, चलने में देर हो रही है,
या अल्लाह ये रुकावट दूर फरमा। घर पहुंच गए, दाखिल नहीं हुए अभी, तो या अल्लाह मैं घर में दाखिल हो रहा हूँ, अपनी रहमत से मंजर अच्छा देखूं, घर वालों को आफियत से पाऊं, कोई बुरा मंजर सामने ना आए, कोई अपने घर वालों को खैर आफियत से पाऊं, बच्चे ठीक हों, ये मांगू। अलावा उस दुआ के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई उसका भी हासिल यही है, लेकिन अपनी जबान में भी मांग लो। अल्लाह का खैर और मौलिजी व खैर और मखरज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खरजना, ये दुआ मासूरा तो है ही, अपने अल्फाज में भी मांगो। अल्लाह तबारक व तआला घर में दाखिल हुए और बच्चा खेलता हुआ अच्छा लगा तो दुआ मांगो, या अल्लाह ये आफियत से रहे, ये मेरे लिए आंखों की ठंडक बने, ये मेरे लिए आंखों की ठंडक बने, इसकी उम्र दराज हो, ये आफियत से रहे। खाना सामने आ गया, या अल्लाह आपने खाना आता फरमाया, अपनी रहमत से इसको आफियत के साथ मुझे खिला भी दीजिए, हजम भी करा दीजिए, इसको मेरी जिस्म को जान को लगा दीजिए और इसके नतीजे में सेहत और आफियत में तरक्की अता फरमाइए, कुव्वत अता फरमाइए, बीमारी से महफूज रखिए। मांगते रहो, इस तरह हदीस में आता है ना कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह तुम्हारे मुताले से मांगो। अरे भाई, जूते का तस्मा टूटा तो फिर तो सीधी सी बात ये मालूम होती है कि मोची के पास जाओ और जाकर उसकी मरम्मत कराओ। लेकिन मरम्मत कराने से पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि दुआ करो कि अल्लाह मेरे जूते का चश्मा टूट गया, ठीक कर दीजिए। तो फिर वो सबब इख्तियार करो, क्यों? इस वास्ते के जब मोची के को तलाश करने निकलोगे तो क्या पता मिले कि ना मिले, और मिल भी जाए तो तुम्हारी मर्जी का मिले या ना मिले, और पैसे ज्यादा मांग ले तुम्हारे पास देने को उतने पैसे ना हो, या मांग उसने ले तो लिया मगर ठीक से काम ना किया, ये सारे अहतमालात मौजूद हैं। तो पहले अल्लाह तबारक व तआला से मांग लो, या अल्लाह टूट गया इसको ठीक कर। ये सिखा रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामूली हाजत भी जो तुम्हारी जिंदगी में पेश आ रही है उसको अल्लाह तबारक व तआला से मांगते रहो, अल्लाह तआला से मांगते रहो, तो उसका नतीजा एक तरफ तो ये होगा कि हमारी जो निगाहें हैं ना आम तौर से वो असबाब में अटकी रहती हैं। बीमार हो गए, फर्ज करो बीमार हो गए तो जहन इस तरफ जाता है कि कोई अच्छा डॉक्टर तलाश करो, उससे रुजू करो, वो दवा उसने दे दी तो उस पर इत्मीनान रहता है कि भाई अच्छे डॉक्टर ने अच्छी दवा दी है, खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। जहन सारा इन असबाब में उलझा हुआ है, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तालीम और हिदायत के जरिए ये बता रहे हैं कि असबाब से जरा ऊपर उठो, जिसने ये असबाब पैदा किए, जो उस सबब में तासीर पैदा करने वाला है उससे मांगो कि या अल्लाह मुझे सेहत अता फरमा दीजिए। अगर उसने फैसला कर लिया सेहत का तो डॉक्टर भी अच्छा मिल जाएगा और वो दवा भी सही तजवीज कर देगा, दवा खाओगे तो तासीर भी पैदा कर दे। वरना कितनी बार आदमी इलाज करता है, अच्छे 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 डॉक्टर का करता है लेकिन फायदा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर तासीर उस वक्त नहीं डाली। हमारे बड़े मेहरबान डॉक्टर थे हमारे वालिद साहब रब्दुल आलम के मालिक रहे बहुत अच्छे तक, डॉक्टर हाशमी साहब मरहूम, डॉक्टर जखीर सगीर अहमद हाशमी मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो ये काम अच्छा जिंदगी डॉक्टरी की, इलाज किया, अस्पतालों के जिम्मेदार रहे, क्या कुछ। तो
तो आखिर में फरमाया करते थे, मेरी सारी जिंदगी का तजर्बा यह है कि दवा इंसान के जिस्म में जाने के बाद कहीं और पूछती है कि क्या असर करूं, अच्छा कर दूं इसका फायदा हो जाए या उल्टी पड़ जाऊं और तकलीफ बढ़ जाए। जब वहां से जो हुक्म मिलता है उसके मुताबिक अमल करती है, जैसे सारी जिंदगी का मैं तजुर्बा लिया, क्योंकि आंखों से ऐसे नजारे देखे हैं कि वही दवा है, वही बीमारी है, वही शख्स है। एक मरतबा दी फायदा हो गया, दूसरी मरतबा दी वही शख्स, वही बीमारी, वही दवा, कारावद नहीं हो रहा, बजाय फायदा करने के नुकसान कर रही है। तो ये जब तक अल्लाह जल्ला जलालहू उसमें तासीर पैदा ना फरमाए उस वक्त तक वो कारामद नहीं होता। इसलिए लेकिन हमें क्योंकि सामने असबाब नजर आते हैं आंख से, अल्लाह तबारक व तआला की पैदा की हुई तासीर आंख से नजर नहीं आ रही, इस वास्ते हमारा ज़हन असबाब में उलझा रहता है। और जो मुसब्बिबुल असबाब है, सारे असबाब का पैदा करने वाला है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। लिहाजा इस फिक्र में तो पड़ रहे हैं कि भाई ये सबक तैयार कर लूं, ये सबक तैयार कर लूं, लेकिन अल्लाह जल्ला जलालहु की तरफ उसको मुअस्सिर हकीकी समझ कर, जान कर, यकीन करके मांगने की नौबत कम आती। अगर मांगा भी तो ऐसे ही सरसरी मांग लिया कि असल काम तो वो है जो मैं कर रहा हूं, इलाज कर रहा हूं या कोई तदबीर कर रहा हूं, और चलो भाई दुआ भी कर लो। हालांकि होना ये चाहिए कि असल काम ये है अल्लाह तबारक व तआला से मांगना, और फिर उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला असबाब में भी तासीर पैदा फरमाएंगे। हमारे हजरत अकबर वक्त कद्दसल्लाहु तआला कर रहू फरमाते हैं कि इंसान का अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा हो, तवक्कुल हो। तवक्कुल का माना यही है कि असबाब को इख्तियार जरूर करे लेकिन भरोसा उन असबाब पर ना हो, अल्लाह ताला क्यों करो। कहते इस तवक्कुल का सही मकाम और सही इम्तिहान उस वक्त होता है जब इंसान ज़ाहिरी एतबार से सारे असबाब जमा हैं। आया उस वक्त भी अल्लाह ताला की तरफ ध्यान जाता है कि नहीं? मसलन हजरत मिसाल की ये थी कि आपको भूख लगी हुई है और खाने को दिल चाह रहा है, घर में दाखिल हुए, खाना दस्तरखान पर चुना हुआ, रोटी भी मौजूद, सालन भी मौजूद, जो कुछ खाना है वो मौजूद है सामने, और एक हाथ का फासला है जाकर खाने में। तो उस वक्त सारा कुछ ध्यान जाता है कि बस हो गया काम, ये भूख लगी हुई है, खाना सामने मौजूद है, दस्तरखान पर चुना हुआ है, एक दो कदम आगे बढ़ के तो बैठेंगे खा ले। उस वक्त में आदमी का तसव्वुर यह हो कि ये तो जब तक अल्लाह जल्ला जलालहू की मशीयत नहीं होगी उस वक्त तक मैं खा नहीं सकूंगा, ये दो कदम का फासला है, लेकिन पता नहीं कि दो कदम चल सकूंगा कि नहीं, जिंदगी उस वक्त तक दराज होगी कि नहीं, और अगर एक कदम चल के फिसल के गिर गया तो वो सारा खाना धरा गधरा रह जाएगा। खाना लुकमा खाऊं तो उच्छू ना लग जाए, फंदा ना लग जाए, फंदा लग गया तो सब खाना अकारक हो। तो इस तरफ ध्यान नहीं जाता, तो उस मौके पर आदमी अल्लाह की तरफ रुजू करे कि या अल्लाह, वो जो मैंने दुआ पढ़ रही थी ना कि आपने अपनी रहमत से ये खाना अता फरमाया है, इसको मुझे लज्जत के साथ, राहत के साथ खिला भी दीजिए और उसको फायदा भी पहुंचा दीजिए। जो बंदा उस वक्त कह रहा है
जब तो बिल्कुल चीज तैयार है सामने, कोई रुकावट बजाय नजर नहीं आ रही, उस वक्त भी वो भरोसा उस सामने चुने हुए खाने पर नहीं बल्कि उस खाने के अता करने वाले की तो ऊपर करे और मांगे उससे कि अल्लाह ये खाना चुना हुआ तो है, आफियत के साथ मुझे खिला। ये ऐसी बात है कि कहने को वैसे बहुत आसान है, कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती, कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ता, लेकिन है इतनी अजीम उशान कि उसके फवायद बड़े जरूर कदर हैं। ये तकवा दिल में पैदा करने वाली चीज है। अल्लाह तबारक व ताला के साथ मोहब्बत और अजमत का ताल्लुक उस्तवार करने वाली चीज है। अल्लाह ताला की तौहीद को दिल में जमाने वाली चीज है। तो करके देखो, लेकिन ये होगा उस वक्त जबकि ध्यान के साथ मश्क करने करो। कहने को मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन होगा उस वक्त जबकि ये नियत करो कि हाँ आज से मैं अपनी हर हाजत अल्लाह तबारक व ताला के बारगाह में पेश करूंगा। ये इरादा कर लो और अल्लाह ताला से मांगो, ये भी अल्लाह ताला से मांगो, या अल्लाह अपने फजल व करम से मुझे ये तौफीक अता फरमा दे कि मैं हर चीज आपसे मांगा करूं। ये भी मांगो लगे। एक मतलब था कि मोहम्मद मौलाना थानवी कद्दस अल्लाह ताला फिर रहू मजलिस में यही बात बयान फरमा रहे थे और जो फरमा रहे थे कि अल्लाह जल्ला जलालुहु के यहां देने में कमी नहीं, मांगने वाला चाहिए, मांगने वाला चाहिए, जो मांगे जिसके अंदर मांगने का जौक हो वो चाहिए, अल्लाह तबारक व ताला के यहां देने में कमी नहीं। हमारे हजरत कैसे याद आ गया कि कोई जो ना सना से अदा हो तो क्या इलाज, कोई जो ना सना से अदा हो तो क्या इलाज, उनकी नवाजिशों में तो कोई कमी नहीं। तो हजरत फरमा रहे थे कि मांगने वाला चाहिए, झोली फैलाने वाला चाहिए अल्लाह तबारक व ताला के यहां सामने, तो अल्लाह ताला क्या देने में कमी नहीं। तो हजरत मजदूर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े मुंह चढ़े किस्म के खलीफा और मुरीद थे, वो कहने लगे हजरत किसी के पास झोली ना हो तो क्या करें। आप फरमा रहे हैं कि झोली फैलाने वाला चाहिए तो अल्लाह ताला क्या देने में कमी नहीं होती, तो अगर किसी के पास झोली ना हो तो क्या करें। तो हजरत फरमाते हैं कि झोली भी उसी से मांगे, क्या अल्लाह मेरे पास तो झोली भी नहीं, मुझे झोली भी अता फरमा, यानी या अल्लाह मुझे दुआ मांगने का सलीका भी नहीं आता, अल्लाह दुआ मांगने का सलीका भी आप ही अता फरमा दीजिए, मुझे दे दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई दुआ मांगने बैठते हैं समझ में नहीं आता क्या मांगे, समझ में नहीं आता। तो उसके दो जवाब हैं। एक जवाब यह है कि इसकी भी दुआ मांगो, या अल्लाह मुझे दुआ भी करना सिखा दीजिए। और ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका खैरल मसअला व खैरल दुआ व खैरल इजाबा। ये मसनून दुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका खैरल मसअला, या अल्लाह मैं बेहतरीन सवाल करना मांगता हूँ आपसे, कि बेहतरीन सवाल करूं, व खैरल दुआ, और या अल्लाह मैं मांगता हूँ कि आपसे मैं अच्छी दुआ करूं, व खैरल इजाबा, और ये मांगता हूं कि दुआ बेहतरीन तरीके पर कबूल भी हो। सब मांग लिया तो दुआ भी मांग लिया। तो ये वही बात है कि झोली नहीं है तो झोली ही अल्लाह तबारक व ताला से मांगो, उसी से कहो या अल्लाह मुझे नहीं आता। तो एक जवाब तो ये है कि नहीं आ रहा, अगर कुछ और समझ में नहीं आ रहा तो यही कहते रहो या अल्लाह मुझे मांगना नहीं आ रहा, आप ही
अपने फजल व करम से मुझे मांगना भी सिखा दी, मुझे दुआ करना नहीं आ रहा, या अल्लाह दुआ करना सिखा दी, दुआ करने की तौफीक अता फरमा दी, ये भी मांगो। एक जवाब तो यह, दूसरी जवाब, दूसरा जवाब यह है जो हमारे हजरत वाला हजरत आरिफ रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा अपना वाकया सुनाया। हमारे हजरत वाला को दुआ का बड़ा जौक था, बड़े जौक का शौक, बड़े जौक से दुआएं फरमाया करते थे। ये उन्हीं की सब बातें हैं जो मैं सुना रहा हूं आपको। वो दुआएं वैसे भी करते थे, और जब एहतमाम के साथ हाथ दुआ के लिए उठाते तो बाद अवकात लंबी दुआ करते चले जाते थे। फरमाते हैं कि मैं हरम शरीफ में हाजिर हुआ मक्का मुकर्रमा में, और काबे शरीफ के सामने बैठा, यशद मिजाब रहमत के नीचे फरमा रहे थे, मुझे अब अच्छी तरह याद नहीं, गालिबन मिजाब रहमत की बात कर रहे थे, हतीम में मिजाब रहमत के नीचे बैठे। मिजाब रहमत के नीचे भी वो जगह है जहां पर के दुआ की कबूलियत का मकाम है, खास मकाम, तो वहां हतीम में और मिजाब रहमत के नीचे आदमी बैठ कर या खड़ा होकर दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से। दुआ करना भी साबित है, इल्तिजाम अगरचे मुझे किसी हदीस में नहीं मिला, लेकिन बहरहाल तो दुआ मामूल चलाता है। हुजूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लोग वहां पर एहतमाम के साथ दुआ करते हैं। तो हज़रत फरमाते हैं वहां बैठ कर हाथ उठाए दुआ के लिए, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या मांगू, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या मांगू, तो याद करने की कोशिश की कि भाई मैं हमेशा दुआ मांगता हूँ, फला मौके पर क्या दुआ मांगी थी वही याद कर लू, वही मांग लू, वो भी नहीं आ रही, और फला मौके पर भाई दुआ मांगी थी वो याद कर लू, वो भी नहीं आ रही। बहुत देर तक सोचता रहा, हाथ उठे हुए और जबान से कोई दुआ नहीं निकल रही। बाहर मुझे परेशान हुआ कि अल्लाह को दुआ ही मांगी नहीं जा रही, तो फिर अल्लाह तबारक उतारे दिल में डाला, प्यारे नादान, हजरत के अल्फाज बयान नकल कर रहा हूं, अरे नादान तू क्या मांगेगा, तू क्या मांगेगा, जो कुछ मांगेगा मुतनाही होगा, यानी हद में महदूद होगा, और ये तूने जो हाथ हमारे बारगाह में उठाए हुए हैं, ये जबान हाल से तू ये मांग रहा है कि अल्लाह मैं तो जानता नहीं कि मेरे लिए क्या खैर है, आप सारा खैर अपने फजल करम से मुझे अता फरमा। तो जबान तेरी चले या ना चले, जबान से कोई दुआ मांगे या ना मांगे, तेरे ये फैले हुए हाथ किस बारगाह में फैले हुए हैं, वो बारगाह में फैले हुए हाथ इंशाल्लाह वापस नामुराद नहीं जाएंगे, वो उस बारगाह में फैले हुए हैं जो करीम की बारगाह है, ये बगैर नवाजे हुए वो करीम की बारगाह वापस नहीं भेजेगी। लिहाजा फरमाया, जब ये तसव्वुर आया तो फरमाया मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे सारी कायनात मेरे इन हाथों के नीचे आ गई, सारी कायनात की खैरात इस हाथों के अंदर आ गई। तो हासिल उसका यह है कि जबान हाल से गोया मैं ये कह रहा हूं अल्लाह जल्ला जलालुहु से कि या अल्लाह मुझसे कोई मांगे तो जाने रहा, मांगूंगा भी तो वो महदूद चीज होगी, आप अपने फजल करम से अपनी गैर महदूद रहमत से मुझको अता फरमा दीजिए। तो इससे भी घबराने की जरूरत, कभी हाथ होते हुए जबान समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं, कोई बात नहीं, ये जबानें बेजबानी है, ये जबानें बेजबानी, यानी बाद औकात इंसान जबान से वो तासुर पैदा नहीं कर सकता जो खामोश रहकर पैदा कर, तो इससे भी घबराने की जरूरत नहीं। अगर हाथ उठे हुए हैं और समझ में नहीं आ रहा उठाए रखो,
और जिद सबूर करो कि मैं तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ फैलाए हुए हूं और वो अपने फजलो करम से खुद ही अता फरमाए। कुरान करीम में जो हाजतमंद लोग होते हैं उनकी दो उनके लिए दो लफ्ज इस्तेमाल फरमाए, एक साइल एक मोहतर असाइल अवल मोहतर। कुरान करीम में दो लफ्ज इस्तेमाल, साइल उसको कहते हैं जो जबान से सवाल कर रहा है वो तो साइल है। एक लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान ने मोहतर, मोहतर के माना है वो सब जो जबान से तो कुछ नहीं मांग रहा बेचारा, मांगा ही नहीं जा रहा उससे, लेकिन वो सामने आकर इस तरह खड़ा हुआ है कि सरापा सवाल है, जबान से तो कुछ नहीं कह रहा लेकिन अपनी हालत उसकी ऐसी है कि मांगता कुछ नहीं सामने खड़ा है और तुम उसकी हालत को देखकर खुद अंदाजा करते हो कि यह हाजत मांगे, उसको मोहतर कहते। तो कुरान कहता है कि तुम साइल को भी दो जो जायज तरीके से सवाल करने वाला हो उसको भी दो और मोहतर को भी दो यानी जो जबान से मांग नहीं रहा लेकिन जबान हाल से वो अपनी हाजत का इजहार कर रहा है उसको भी दो। तो जब अल्लाह मियां हमसे कह रहे हैं कि जो तुमसे जबान से नहीं मांगता और वैसे ही खड़ा हुआ है तुम खुद उसकी हाजत का उसकी हालत देखकर अंदाजा कर रहे हो उसको भी दो, जब अल्लाह तबारक व तआला हमसे कह रहे हैं तो खुद नहीं देंगे वो, हम उनके आगे साइल बने या मोहतर बने, जबान से मांगे या जबान हाल से मांगे, उनके सामने अगर हाथ फैला दिए हैं तो वो इंशाल्लाह महरूम नहीं फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला से मांगने की आदत डाल, नहीं मांगने आता वो भी अल्लाह से मांगो और फिर भी नहीं आता फिर भी हाथ फैलाए रखो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। और चलते फिरते जो मैं कह रहा हूं हर वक्त जो हाजतें इंसान को पेश आ रही हैं उन हाजतों को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करते रहो, उसकी आदत डालो, इसके लिए ना हाथ उठाने की जरूरत और न जबान से कहने की जरूरत बल्कि दिल दिल में मांग, वो तो अलीम बिज़ाते सुदूर है, दिल में पैदा होने वाले ख्यालात को भी अल्लाह तबारक व तआला जानता है, लिहाजा दिल दिल में मांग लो अल्लाह तबारक व तआला से। ये आदत डालो 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 तो रफ्ता रफ्ता इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक मजबूत होगा, तकवा पैदा होगा, दूसरा रास्ता है। हमारे हजरत वाले फरमाया करते थे अल्लाह ताला के दर्जात बुलंद फरमाया कि देखो छोटे बच्चे से सबक लो, छोटा बच्चा जो होता है वो हर वक्त अपनी माँ को पुकारता है, जहां जरा सी कोई जरूरत पेश आई माँ को पुकारे, यहां तक के घर से बाहर निकला है खेल रहा है बच्चों के साथ किसी बच्चे ने छेड़ दिया कोई तकलीफ पहुंचा दी वहीं से पुकारेगा अम्मी करके आवाज देगा, हालांकि जानता है कि माँ यहां मौजूद नहीं, वो आवाज भी नहीं सुन रही लेकिन उसके दिल में बस ये बैठा हुआ है कि मेरी सारी हाजतें जो है वो मेरी माँ पूरी कर सकती है और कोई नहीं कर सकती दुनिया में, तो इस वास्ते वो हर हालत में अपनी माँ को पुकारता है। तो हमारे तो फरमाते थे कि अल्लाह के बंदो वो अल्लाह जल्ल जलालुहु के सामने ऐसे बन जाओ जैसे कि बच्चा माँ के साथ होता है कि हर वक्त माँ को पुकार रहा होता है, नींद नहीं आ रही तो माँ को पुकार रहा है, भूख लग रही है तो माँ को पुकार रहा है, प्यास लग रही है तो माँ को पुकार रहा है, किसी ने छेड़ दिया तकलीफ पहुंचा दिया तो माँ को पुकार रहा है, यहां तक के अगर बैतुल खला की हाजत हो रही है तो भी माँ को पुकार रहा है, उसे के मुझे पौती आ रही है मुझे ले जाओ, ये भी माँ से पुकारता है, पुकार के कहता है। तो तुम भी अपने अल्लाह जल्ल जलालुहु के साथ अपने खालिक व मालिक के साथ कम से कम ऐसे तो बन जाओ जैसे कि बच्चा माँ के साथ होता है,
चलते फिरते उठते बैठते जो हाजत हो अल्लाह तबारक व तआला। हमारे हजरत वाला हजरत अकीमुल उम्मत कद्दस अल्लाह तआला सिर्रहु फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी तखल्लुफ नहीं होता इस बारे में कि जब कोई शख्स आके कहता है कि मुझे एक बात पूछनी है आपसे, तो कभी तखल्लुफ नहीं होता। एक लम्हे के लिए दिल में ये अल्लाह तआला से या अल्लाह पता नहीं ये क्या पूछ लेगा, इसका सही जवाब मैंने दिल में डाल दी। हमेशा दिल में चंद लम्हों के लिए ये सामने कोई आदमी आ गया, मुलाकात करने आला है, आ रहा है, तो दिल में अल्लाह तआला से या अल्लाह ये अच्छी बात लेकर आया हो, कोई बुरी बात ना आए सामने, कोई तकलीफ दे बात पेश ना आए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फुजाअति अस-सईर वा अऊज़ु बिका मिन फुजाअति अस-शर। या अल्लाह अचानक जो खबर मुझे मिले वो अच्छाई की खबर हो, बुराई की खबर ना हो। ये चीज अगर अल्लाह ताला आपकी रहमत से अपने फजल व करम से हमारे आपके दिलों में पैदा फरमा दे तो वो ये वो ठिटक वो झिझक जिसको मैं तकवा की तारीफ में पेश कर रहा हूं, इंशाल्लाह रफ्ता 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 वो चीज दिल में जगह पैदा कर लेगी। तकवा पैदा करने का एक बेहतरीन रास्ता यह है। और ये अल्लाह तबारक व तआला इसको तौफीक अता फरमाए। तो इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ भी तलकीन फरमाई है जो आप मांगा करते थे, اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك। अल्लाह मेरे दिल के ख्यालात जो हैं उनको उनका रुख मोड़ दीजिए किस तरह के उनमें ख्यालात आपकी खशियत के हों, आपकी याद के हों, वो ख्यालात का रुख मोड़ दीजिए। वजाल हिम्मती व हवाया कीमा तहब्बु व तरवा। अरे अल्लाह मेरे ख्यालात और मेरी ख्वाहिशात ये उन चीजों से मुतालिक हो जाए जो आपको पसंद है। ये दुआ मांगो और ये वही बात है कि आदमी चल रहा है, फिर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन दिल अल्लाह तबारक व ताला के साथ मशगूल है, अल्लाह ताला की जिक्र में उससे दुआएं करने में मशगूल है। तो ये एक दूसरा जो कदम या सबक मैं अर्ज कर रहा हूं, एक तो ये अदाए मासूरा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन फरमाई है मुख्तलिफ औकात में, उसका अहतमाम और ध्यान के साथ है। दूसरे हर वक्त इंसान को जो हाजत दरपेश है उसको अल्लाह तबारक व तआला से मांगने की आदत डालना, करके देखो ये काम। हमारे हजरत फरमाते करके देखो क्या से क्या हो जाओगे, ये अल्फाज फरमाते क्या से क्या हो जाओगे, करके देखो। अल्लाह ताला अपने रहमत से हम सबको अच्छी तौफीक अता करे। तीसरी चीज वो भी ऐसी है, वो भी ऐसी है कि अगर अल्लाह तबारक व ताला उसकी आदत डलवा दे तो फिर ये तकवा की मंजिल, अल्लाह जल्ला जलालहू के साथ मजबूत ताल्लुक की मंजिल बहुत आसान और करीब हो जाती है, बहुत आसान और करीब। क्या है वो है शुक्र की कसरत, शुक्र की कसरत। अगर इंसान जर्रा बराबर भी इंसाफ से गौर करे तो हर वक्त हर लम्हे अल्लाह जल्ल जलालहू की नेमतों की बारिश उसके ऊपर बरस रही है। इतनी नेमतों में पल रहा है जिसका शुमार मुमकिन नहीं। इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा। अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो शुमार नहीं करना। तो अगर आदमी को का ध्यान उस तरफ लग जाए कि मुझे ये नेमत हासिल हुई है और उस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु वलकल शुक्र,
जबान से या दिल दिल ही में करें। तो इस शुक्र से के नतीजे में भी अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब और उसके साथ ताल्लुक की मजबूती और नतीजतन तक्वा, इसकी आबियारी होती है। बात यह है कि हम लोग इन तमाम नेमतों में पलने के बावजूद और तमाम नेमतों से फैजयाब होने के बावजूद गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, उन नेमत के नेमत होने का एहसास नहीं होता, वो याद भी नहीं आती कि हमें क्या नेमत मिली। जरा सी तकलीफ आ जाए, जरा सी परेशानी लायक हो जाए, उसको तो लेके बैठ जाएंगे, ये तकलीफ है, ये परेशानी है। लेकिन लाखों करोड़ों अरबों नेमतें जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुफ्त अता फरमाई हुई है, हमारे जिस्म के अंदर देख लो, सर से लेकर पांव तक, ये आंखें, ये नाक, ये कान, ये मुंह, ये दांत, ये बाल, हर चीज अल्लाह तआला की नेमत, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, उसकी तरफ फिक्र नहीं होती। तो हजरत हमारे हजरत फरमाते थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, कि शुक्र करने की आदत डाल। गर्मी लग रही थी, हवा का झोंका चल गया, अच्छा लगा, कहो अल्लाहुम्मा लक अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छा लगा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। भूख लग रही थी, खाना अच्छा सामने आ गया, कहो या अल्लाह तेरा शुक्र है कि आपने ये नेमत अता फरमाई। घर में दाखिल हुए, मैंने कहा था दाखिल होते दुआ करो कि या अल्लाह सबको आफियत से पाऊं, वाकई आफियत से पाया, तो कहो अल्लाह ताला शुक्र है आपका कि सबको आफियत से पाया, किसी को बीमार नहीं पाया, किसी को दुख में नहीं देखा, बच्चा खेलता हुआ अच्छा लगा है, या अल्लाह आपका शुक्र है कि यह आफियत से है, ये मेरे लिए आंखों की ठंडक बना हुआ है, या अल्लाह को आइंदे भी आंखों की ठंडक बनाया रहे। तो अगर इस तरह देखो तो हर लम्हे या दुआ है या शुक्र है, ये जहन में, इस जहन को इस तरफ मोड़ लो। आप एक और बात पर जरा गौर करो कि कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसका दिमाग हर वक्त मुख्तलिफ ख्यालात की आमाजगाह ना हो, हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा है, हर वक्त कुछ ना कुछ ख्यालात चक्कर लगा रहे हैं। उसमें बहुत से ख्यालात ऐसे हैं कि जो बल्कि अक्सर ऐसे हैं, या ये कहने में मुबालगा नहीं होगा कि अक्सर ख्यालात ऐसे हैं जिनका कोई फायदा नहीं, उनके सोच रहे थे कोई ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा। बाद ख्याल तो ऐसे होते हैं जिनका फायदा होता है, भाई आदमी को एक काम करना है, उस काम का जरूरी काम है, उस काम के को कैसे मैं अंजाम दूंगा, क्या तरीका तैयार करूंगा, ये मुफीद सोच है। लेकिन ये तो कभी कभी होती है, लेकिन अक्सर और बेशतर जब आदमी खाली बैठा है या चला जा रहा है किसी मंजिल पे, कुछ ना कुछ सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, हर वक्त सोच रहा है कुछ ना कुछ आदमी। अक्सर और बेशतर वो ख्यालात जो होते हैं वो ऐसे फजूल होते हैं, उनका कोई मसरफ नहीं होता, उनका कोई फायदा नहीं होता। तो नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ख्यालात का रुख मोड़ने का ये तरीका बताया, हर चीज अल्लाह ताला से मांगते रहो, हर नेमत पर अल्लाह ताला शुक्र अदा करते रहो, तो क्या होगा कि वो ख्यालात जो इधर उधर भटक रहे हैं, चारों तरफ जा रहे हैं, जिनका कोई हासिल नहीं, उनसे उनका रुख मोड़ कर तुमने अल्लाह जल्ला जलालहु की तरफ कर दिया, यानी अल्लाह जल्ला जलालहु की से या की कोई चीज मांग रहे हो या उसकी किसी नेमत पर शुक्र अदा कर रहे हो। तो उसका नतीजा यह हुआ कि ये सारे ख्यालात कि जो दुनिया है, ख्यालात की कायनात, इसको तुमने मुशर्रफ व इस्लाम कर लिया, ये अब फजूल जिहतों में तुम्हें ले जाने के बजाय
अल्लाह जल्ला जलालहू की अजमत और मोहब्बत उसकी खशियत तुम्हारे दिल में पैदा करेगी। फजूल ख्यालात का नतीजा यह होता है कि आदमी के दिल में कदूरतें पैदा होती हैं। सुना शख्स में वक्त मिला था, उसने मुझे ऐसी बात कह दी थी, उसने मेरे साथ एक तर्जमा इख्तियार किया था, उसकी वजह से दिल में तकद्दुर पैदा हो रहा है, उसी को सोचने बैठे हुए कि देखो उसने कितना गलत काम किया मेरे साथ, मुझे नुकसान पहुंचाया है मेरे साथ, मेरी इज्जत नहीं की, मेरा फला। अब वो ख्यालात पकड़े, अब पकते पकते वो एक बुग्ध की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, कदूरत बुग्ध में तब्दील हो जाएगी। जब बुग्ध पैदा होगा तो उसके खिलाफ मुंह से कभी गीबत भी निकल जाएगी, कभी दिलाजारी हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। तुमने ख्यालात के रौ को बेमुहार छोड़ दिया, उसने तुम्हें ले जाकर गुनाह में मुबतला कर। ख्यालात कुछ ख्वाहिशात के ख्याली पुलाव पकानी शुरू कर दी, यूं कर हो जाए तो कितना अच्छा हो, फला काम हो जाए तो अच्छा हो, वो शेख चिल्ली की तरह दिल में ख्यालात पका रहे हैं, और उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि ख्वाहिशात का एक जहान है जो ख्यालात में इंसान ने पैदा कर रखा है कि ये हो जाए वो हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, होता कुछ भी नहीं। नतीजा ये कि दिल में हसरत पैदा होती है कि हाय ये होता तो कितना अच्छा होता और मुझे कुछ मुयस्सर नहीं है, लिहाजा मैं तो महरूम रह गया, और उसके नतीजे में नाटुकरी पैदा हो गई। क्या फायदा मिला सिवाय हसरत के? सिवाय हसरत के कुछ ना मिला उन ख्वाहिशात को परवान चढ़ाने से, उन्हीं ख्वाहिशात को, जायज ख्वाहिशात को दुआ में तब्दील कर लो। या अल्लाह मुझे नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिल जाए, या अल्लाह मेरे रोजगार में तरक्की हो जाए, या अल्लाह मेरी आमदनी बढ़ जाए, वगैरह वगैरह। वो जो ख्यालात दिल में पैदा हो रहे हैं उन ख्यालात का रुख मोड़ कर ख्वाहिशात को दुआओं में तब्दील कर लो, तो क्या होगा कि ये सारे ख्यालात इबादत हो रहे हैं। अब दुआ हुआ इबादत, दुआ बताते खुद इबादत है, ये सारे ख्यालात इबादत बन रहे हैं। वहां हसरत बन रहे थे उसके नतीजे में नाशुक्री पैदा हो रही थी, यहां तुमने उसका रुख मोड़कर अल्लाह जल्ला जलालहू की से दुआ की तरफ मोड़ दिया तो वो इबादत बन गए। और अल्लाह मजाल वसा वे तकल खशियत का व जिक्र का एक मुजाहरा हो। तो भाई ये चीज है जो मश्क करने से हासिल होती है। कहां लंबे चौड़े मुजाहदे रियाजत हमारे जो फरमाया करते थे, तो पहले जमाने में जब कोई शख्स तकवा हासिल करना चाहता, ताल्लुक बिल्लाह को मजबूत करना चाहता, किसी शेख की खिदमत में जाता तो मुजाहदे कराए जाते थे, बड़े लंबे चौड़े रियाजतें कराई जाती थी, तब जाकर दिल से वो गंदगियां निकलती थी और दिल पाकिजा होता था। तो हमारे हजरत फरमाते थे कि अब अगर किसी को उस किस्म के मुजाहदे की तलकीन की जाए कि भाई जो जैसे पहले किया करते सब भाग जाएंगे, सब भाग खड़े होंगे, क्योंकि कोई कर नहीं सकेगा, कुवा कमजोर, ताकतें कमजोर और इरादे कमजोर, थोड़ा सा काम बताओ नहीं होता, तो वो मुजाहदे को रियाजतें कहां से करें। लेकिन फरमाते थे कि हमारे हजरत हकीम रुबत कदसल्लाहु ताला सिर्रहू ने आजकल के इंसानों की कमजोरी को देखते हुए ऐसे तरीके तजवीज फरमा दिए हैं कि अगर इन पर अमल कर लो तो इंशाल्लाह वो मंजिल मकसूद इंशाल्लाह हासिल हो जाएगी। तो वो अब तकवा हाँ होना, तकवा तो यहां है, इसकी कायनात को दुरुस्त कर लो, दिल की कायनात को दुरुस्त कर लो कि दिल के ख्यालात को, दिल की ख्वाहिशात को, दिल के जज्बात को रुख मोड़ कर अल्लाह ताला की तरफ कर लो, तो क्या होगा कि इंशाल्लाह वो मकसद जो लंबी लंबी रियाजतों से और तवील मुजाहदात से हासिल हुआ करता था वही हासिल हो। हाँ, हजरत मजदूर साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए,
हजरत से कि खलीफा भी हैं, शायद बड़े गजब के थे। तो हजरत ने जो ये तरीका तजवीज किया कि भाई दिल को जरा रुख फेरो दिल का, तो उससे अल्लाह तबारक व ताला तक पहुंचना आसान हो जाएगा बगैर लंबी चौड़ी रियाजतों के। तो उसको उन्होंने एक शेर में ताबीर फरमाया, बड़े खूबसूरत शेर फरमाया कि वो इतने थे करीब कि दिल ही में मिल गए, वो इतने थे करीब कि दिल ही में मिल गए। मैं जा रहा था दूर का सामा किए हुए, मैं तो ये समझ रहा था कि अल्लाह मियां बहुत दूर है, लिहाजा उनको हासिल करने के लिए लंबे चौड़े सफर का इरादा कर रखा था, वही मुजाहदों वाला सफर, वही रियाजतों वाला सफर, उसका इरादा किया हुआ था। मैं जा रहा था दूर का सामना किए हुए, लेकिन वो इतने थे करीब कि दिल ही में मिल गए। इस दिल का रुख जरा सा फेर लिया तो दिल ही के अंदर उनका उनसे मुलाकात हो गई। अल्लाह तबारक वो खुद फरमाते हैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम बंदे से उसके रगे जाम से ज्यादा करीब तर हैं। रगे जान भी इतने करीब नहीं है जितने हम करीब हैं, बशर्ते कि बंदा उस कुर्ब का फायदा उठाना चाहे, उस कुर्ब का एहसास पैदा करे, उसका शऊर पैदा करे, तो हम इतने करीब। और वो शऊर पैदा करने का रास्ता बताओ भाई, ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं, दुआ की कसरत और शुक्र की कसरत, ये कौन सी ऐसी मशक्कत का काम है जो इंसान न कर सके। कोई लंबा चौड़ा मुजाहदा है, कोई बहुत बड़ी रियाजत है, कोई बहुत बड़े पैसे खर्च करने पड़ते हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन रुख फिर जाता है इंसान की सोच का, रुख फिर गया उसके जहन और दिमाग का, रुख फिर गया उसके दिल का, रुख फिर गया, और अब तकवा हाफ होना का मुजाहरा हो गया। तो भाई आज का सबक जो है वो ये है कि कसरत दुआ और कसरत शुक्र। पिछले इतवार को अर्ज किया था अदअये मासूरा को अपने मामूल में ध्यान के साथ शामिल करना, आज यह है कि उसके अलावा भी अपनी हर हाजत अल्लाह जल्ला जलालहू की बारगाह में पेश करना और अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने की आदत डालना। यह है अल्लाह ताला ये तौफीक अता फरमा दे। देखो एकदम से आदमी ये चाहे कि मैं आसमान पर पहुंच जाऊं, ये नहीं हुआ करता, दर्जा बदर्जा ही तरक्की होती है और उसका रास्ता यही होता है कि आदमी एक मर्तबा अजम कर ले और इसकी तरफ बढ़े। ठीक है शुरू में इरादा तो कर लिया मगर इधर उधर के ख्याल भी आ रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ये होता रहेगा, लेकिन रफ्ता रफ्ता जब लगे रहोगे और इस तरफ ध्यान रखोगे, मश्क करते रहोगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये इन ख्यालात में इस किस्म के ख्यालात कसरत से आएंगे, दूसरे कम आएंगे, और ये मंजिल हासिल हो गई तो समझो कि अत्तक्वा हाहुना का जो बुनियादी पत्थर है वो रख दिया गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ किया था, अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़्ल व करम से अपनी रहमत से हम सबको तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد زنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك وعدد خلقك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
या अरहमर राहिमीन, अपने फजल व करम, अपनी रहमत से हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हमारे आमाल व अखलाक की इत्तला फरमा। ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक काबिल अता फरमा। ऐ अल्लाह हर तरह के शर से, फितने से, मुनकरात से, नासियतों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, अपने फजल व करम से तमाम हाजरीन हाजरात को उनके तमाम जायज मकासिद में अपने फजल व करम से कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह जो बातें हमने कही और सुनी है, ऐ अल्लाह अपनी रहमत से उनके ऊपर ठीक ठीक अमल करने की तौफीक अता फरमा, अपने रिजा के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह अपनी जात के साथ मजबूत ताल्लुक अता फरमा। ऐ अल्लाह, या रहमान रहीम, या गयासुल मुस्तगीसीन, अपने फजल व करम से अपने साथ ताल्लुक मजबूत फरमा दे। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, तकवा की दौलत हम सबको अपने फजल व करम से अता फरमा दे। या अल्लाह, हर तरह के शर से, मासियतों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, अपने फजल व करम से हमें अपने दीन की सही समझ अता फरमा, उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, उस पर इस्तेकामत अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, जिन जिन लोगों ने हमसे दुआ की दरख्वास्त की है, अपने फजल व करम से उन सब की दिली मरादों को पूरा फरमा, उनको हर तरह के शर से उनको निजात अता फरमा, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, हमारे मुल्क के हालात की भी इस्लाह फरमा, आलम इस्लाम के हालात की भी इस्लाह फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, हमारी शामत अमाल को अपने फजल व करम से दूर फरमा दे। या अल्लाह, हमारी हमारी हम पूरी उम्मत की तरफ से अल्लाह इस्तग़फार करते हैं, अपनी रहमत से हमारे हम पूरी उम्मत को या अल्लाह मुआफ़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा लकल उत्बा हत्ता तर्ज़ा, अल्लाहुम्मा लकल उत्बा हत्ता तर्ज़ा, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिक। اللهم لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، نجنا مما نحن فيه وأعنا على ما نحن عليه، بجاه وجهك الكريم وبحق محمد صلى الله عليه وسلم عليك آمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين.